उत्तराखंड की दास्तान के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज हम जिस नेता से बात करने जा रहे हैं, उनकी छवि एक बहुत ही तेज तर्रार नेता के रूप में है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत जबरदस्त है। बहुत ही कम उम्र में उनको यूपी में मंत्री बनने का अवसर मिला और जिन भी पदों पर वो रहे, विभिन्न मंत्रालय उन्होंने देखे, उन्होंने हमेशा अपना बेस्ट डिलीवर करने की प्रयास किया। उनके जो प्रशंसक हैं उनको हमेशा मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं और कामना भी करते हैं कि वो एक दिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री श्री हरक सिंह रावत। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। आपका जो बचपन है वो बहुत कठिनाइयों में बीता और पहाड़ में आप रहे, पले बढ़े, कुछ वहाँ से कुछ शुरू करें, आप कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? देखिए, क्योंकि मैं पौड़ी जनपद के खिरसू ब्लॉक में गैड़ गांव है, जो बिल्कुल स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुना जी का गांव जो बुगाणी है उसके बिल्कुल पास है। और मुझे याद है कि हमारे गांव सड़क भी नहीं थी और मेरे जहाँ घर था वहाँ से जो हमारा प्राथमिक विद्यालय था वो लगभग 3-4 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई थी और मैं 5-6 साल का था तब से स्कूल जाता था। और मेरे पिताजी तो सिपाही थे फौज में, 5 बहनें थी, मैं सबसे बड़ा भाई था। और भले ही हमारा परिवार पुराना संपन्न परिवार था लेकिन पहाड़ में जैसे जो संपन्न परिवार होते हैं उनके केवल खेती बाड़ी होती है और अनाज होता है, लेकिन जब वो जमींदारी प्रथा समाप्त हुई तो वो हमारी ज़मीनें भी जो लोग हमारे खेती करते थे सब उनको चले गए, तो खेती पे बहुत कुछ होता नहीं था। तो पिताजी के जो मनोडर होता था उसी पे हम लोग, उस ज़माने मुझे याद है कि 50-60 रुपये पिताजी का मनोडर आता था, पूरे परिवार का पालन पोषण भी, फीस भी उसी पे देनी होती थी। फिर 6वीं 7वीं 8वीं मैंने स्वर्गीय मंत्रदेव बहुना जी के गांव देवलगढ़ में, उसमें वो जूनियर हाईस्कूल होता था, वहाँ से किया। और मैं, मुझे खुशी है इस बात की कि 5वीं में भी जब 5वीं का जो हमारा एग्ज़ाम था बोर्ड का, ब्लॉक लेवल पे बोर्ड होता था उस जमाने में, मेरे 20 नंबर का मैथ्स का पेपर होता था और मेरे 20 में से 20 नंबर आए थे और मैंने पूरी खिरसू ब्लॉक में 5वीं में भी टॉप किया था और 6वीं में भी देवलगढ़ जूनियर हाईस्कूल में टॉप किया था, 7वीं में भी टॉप किया था, 8वीं में भी टॉपर रहा हूँ। और उसके बाद मेरे टॉप करने के बाद ही स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुना जी ने अपने गांव के जूनियर हाईस्कूल को उस समय कि हमारे मेरे विद्यालय का बच्चा टॉप कर रहा है हाईस्कूल खोला था। और जो आज बहुना जी शिक्षा विभाग में है एडिशनल डायरेक्टर, ये उस समय मेरे हाईस्कूल के 6वीं 7वीं 8वीं में मैथ्स के और साइंस के टीचर होते थे। और इस रूप से मैं सोचता हूँ कि फिर मैंने इंटर हाई स्कूल सीनियर इंटर कॉलेज से किया। इंटर मैंने जरूर अपने मामा जी के साथ, वो PSA में कंपनी के मैनेजर थे, मैं मुरादाबाद उनके पास चला गया और इंटर मैंने वहाँ से किया। तो क्योंकि मैं गांव में, तो जब पढ़ते थे तो पूरा मैं सोचता हूँ कि खेती पे काम करना, गोबर डालना खेत में, धान की मंडाई करना। और उस समय हमारे यहाँ आटा चक्की नहीं होती थी, केवल घट होते थे, तो ज़्यादातर हम जो आटा भी, गेहूँ भी और मंडुवे को भी, जो हम गढ़वाली में उसको जंदरा कहते थे, उससे मैं खुद ही सुबह जो है अपने लिए शाम को पीस के जो है कोदा और गेहूँ को पीस के, और तब मैं स्कूल जाता था। शाम को भी आके पानी का भी गदेरे से पानी लाना, गर्मियों में जो हम सब्जी के लिए लौकी और चचिंडा और उसकी जो पेड़ लगाते थे उसके लिए पानी डालना, उसमें गायों के साथ जाना, घास काटना। और मैं सोचता हूँ कि सभी काम, मैं कोई सोचता हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं है जो पहाड़ में, जिस तरह पहाड़ में दिनचर्या होती है घास काटने से लेकर, पुरखला कहते हैं हम लोग जैसे धान को कुटाई करते हैं, तो
मस्जिद होती नहीं थी, तो एक पत्थर पर छेद बनाकर उसमें हम उसको गढ़वाली भाषा में उरखला कहते हैं हम लोग, तो उसमें धान की कुटाई करना, तो सभी काम मंडाई से लेकर कुटाई से लेकर धान की गुड़ाई निराई से लेकर धान की रोपाई से लेकर सभी काम मैं सोचता हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है, खाना बनाना सभी जो मैं सोचता हूँ मैंने खुद ही किया है और आज भी कर लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मुझे आज भी कोई दिक्कत नहीं है, ईश्वर की कृपा थी कि मैं फिर हमेशा पढ़ने में ठीक रहा हूँ। मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय को ग्रेजुएशन में टॉप किया, रोहिलखंड विश्वविद्यालय को पीजी में टॉप किया और मैं शायद हायर एजुकेशन कमीशन में मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो मैं पहला विद्यार्थी हूँगा जो बिना पीएचडी के डिग्री कॉलेज में लेक्चरर लगा। और मैंने फिर आगरा विश्वविद्यालय का एक कॉलेज था शिकोबाद, एक कॉलेज शिकोबाद, वहाँ मैं मिलिट्री साइंस में बिना पीएचडी के हायर एजुकेशन कमीशन से लेक्चर लगा। और फिर मैंने गढ़वाल विश्वविद्यालय में इंटरव्यू दिया तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में फिर लेक्चरर हो गया, क्योंकि मैं छात्र राजनीति में आने का जो बहुत बड़ा कारण था वो मैं डिबेट में भाग लेता था यूनिवर्सिटी में और कविता प्रतियोगिता में भाग लेता था, तो वहाँ से बच्चों में मेरी लोकप्रियता बढ़ गई थी और इसलिए बच्चों ने मुझे छात्र संघ के अध्यक्ष का चुनाव लड़ाया। और फिर धीरे धीरे मैं आंदोलन में काफ़ी छात्र आंदोलन में काफ़ी सक्रिय रहा। 80, 81, 82, 83 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में मैं सोचता हूँ मेरा एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस जमाने में जो भी छात्र आंदोलन हुए चाहे पूरे गढ़वाल स्तर पर पूरे उत्तराखंड के स्तर पर, उन सारे छात्र आंदोलन में मैं सोचता हूँ कि मैंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह धीरे धीरे मैं राजनीति में आ गया और क्योंकि यूनिवर्सिटी सर्विसेज में जब मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी में लेक्चर हो गया तो गढ़वाल विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का महासचिव रहा, हॉस्टल वार्डन रहा, प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी रहा, तो विभिन्न उत्तरदायित्व निभाने के बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष पौड़ी जिले से रहा, उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति का महामंत्री रहा और भारतीय जनता पार्टी को उसमें कोई पूछता नहीं था, उत्तराखंड में विशेष करके इसको बड़ियों की पार्टी कहा जाता था। मैंने गांव-गांव जाकर उत्तराखंड राज्य की अलग जगह ही और जो भी सामाजिक आंदोलन हुए बलि प्रथा के खिलाफ, चाहे धारी मंदिर में बलि प्रथा का आंदोलन रहा हो, चाहे देलचौरी में बलि प्रथा के खिलाफ आंदोलन हो, इन सारे आंदोलनों में मैंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और राम जन्मभूमि आंदोलन तो पूरे उत्तराखंड में मैं सोचता हूँ हरिद्वार से लेकर और चमोली तक, राम ज्योति अस्थि कलश यात्रा, राम और शहीदों की जो यात्रा थी, उन सबको मैंने घुमाया है और मैं सोचता हूँ एक जन जागरण किया है उत्तराखंड राज्य के लिए भी और राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए भी। तो और मैं सोचता हूँ कि जब मैं 1989 में चुनाव लड़ा पौड़ी से, मैं हार गया था और माननीय पुष्कर सिंह रोहथाना जी और नैन्सी मंडारी उसमें चुनाव जीते थे पौड़ी से, लेकिन मैंने उस दिन संकल्प लिया था कि दूसरी बार जब भी चुनाव होगा तो मैं चुनाव जीतूंगा। और मैंने उसमें बीजेपी का जिलाध्यक्ष भी था, मैंने स्कूटर से मैं सोचता हूँ कि पूरा गढ़वाल पूरा पौड़ी जनपद में पार्टी को अलग जगाई, भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं को जोड़ा, युवाओं को जोड़ा और उसी का प्रतिफल था कि जब 91 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हुए तो मैं लगभग 11,000 वोट से अधिक वोटों से मैंने नरेंद्र सिंह भंडारी की जमानत जब्त कराई, उसके रोहथराम जी को हराया जो एक्स एमएलए थे और मैं पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा हूं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मैं जून में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा और 19 जुलाई 1991 को राज्य मंत्री पर्यटन के रूप में मुझे शपथ लेने का मौका, उस जमाने में मेरी उम्र 28 साल के आसपास थी और 28 साल की उम्र में मुझे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। और तब से मैं सोचता हूँ आप सब लोग जानते हैं कि फिर तो मुझे लगातार पार्टी में भी और मैं फिर बाद में कांग्रेस में आया, कांग्रेस में भी मुझे चाहे लहसुन के विधायक के रूप में हूँ, चाहे रुद्रप्रयाग के विधायक के रूप में हूँ, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में हूँ, इस प्रदेश में जो मैं संघर्ष कर सकता था वो मैं करता हूँ।
आपका बहुत ही मजबूत कद है और बहुत ही अच्छा आपका व्यक्तित्व है, और आपका आपकी शख्सियत आपके काम को लोग प्रदेश यूपी में ही नहीं, उत्तराखंड में और पूरे देश में एक बहुत ही अलग दृष्टि से आपको देखते हैं। तो आपका जो आपकी जो व्यक्तित्व है उसके ऊपर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा रहा, आपके माता पिता का, आपके मित्रों का? या देखिए, मैं सोचता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी तो बहुत सीधे आदमी हैं, वो जैसे गांव में सिपाही होता है। मेरी माँ ने भी बहुत मेहनत किया है, मेरी दादी ने भी, मैं सोचता हूँ कि आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरी नानी का भी कोई नहीं था, नानी भी मुझे ही करती थी। मेरी नानी, मेरी दादी ने मुझे बहुत पाल पोस के बड़ा किया है, लेकिन विशेष करके मैं सोचता हूँ कि राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, IIT करना चाहता था और इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। मुझे किसी ने कमरा भी नहीं दिया श्रीनगर में, जब मैं, मुझे लगता है मैं इंटर के बाद मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मुझे किसी ने श्रीनगर में कमरा ही नहीं दिया। तो कमरा नहीं दिया तो मैं कभी संग्रहालय में चले जाता था। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा जो अभाव था वो मुझे राजनीति में लाया। अगर उस समय मैं कमरा मिल गया होता तो मैं IIT कर जाता, इंजीनियरिंग करता, लेकिन अभाव था, पैसे का अभाव था, कोई कमरा देने के लिए तैयार नहीं था, तो मैं कभी संग्रहालय में रहता था, कभी किसी लड़के हॉस्टल में किसी कमरे में रहता था। तो अब होता ही है, अब आज इस मोहल्ले में रह रहे हैं रात को, कल दूसरे मोहल्ले में रह रहे हैं, तो उस मोहल्ले के बच्चों से परिचय हो जाता था, धीरे धीरे मेरी सबसे जान पहचान हो गई। तो मैं सोचता हूँ राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा मेरा रहा है कि अभाव, जो जीवन में जो बहुत अभाव था उसने मेरे जीवन की दिशा को बदला है। डॉक्टर DP सिंह जी, जब मैं, वो आजकल BHU के भाषण चल रहे हैं आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, जो उसके विश्वविद्यालय और कॉलेजेस के मूल्यांकन के लिए एक आयोग बना है, उसके वो चेयरमैन है और बेंगलोर में उनका हेडक्वार्टर है, वो उन दोनों श्रीनगर में PhD कर रहे थे। फिर मैं कुछ दिन उनके साथ रहा, फिर उन्होंने मुझे कुर्ता पजामा पहनाना सिखाया, फिर उन्होंने मुझे अटल जी की स्टाइल में गले में गमछा डालना सिखाया, फिर मैं कविता प्रतियोगिता में भाग लेता था डिबेट में, तो वो पीछे बैठ कर मेरी गलतियाँ निकालते थे कि आपने यहाँ शौक का उच्चारण सही नहीं किया, आपने यहाँ पर ये गलती कर दी, यहाँ फुल स्टॉप धीरे बोलना चाहिए था, आपने धीरे नहीं बोला। तो धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करता था, फिर भाषण देने की हॉस्टल में प्रैक्टिस करता था कि कहाँ पे ऊंची आवाज़ बोलना चाहिए था, कहाँ पे मेज़ जोर से थपथपानी चाहिए थी। तो वो फिर धीरे धीरे मेरी हैबिट बनती चली गई और वो एक जीवन में मेरा एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और कई बार मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों के बीच में भी कहता हूँ कि शायद मेरे साथ के लोग आज IAS हैं, IG हैं पुलिस में, जो मुझसे भी कम पढ़ने में होशियार थे और जो बहुत हायर पोस्ट पे हैं, सारे लोग हायर पोस्ट पे हैं। जो हमारा हाई स्कूल का बैच था श्रीनगर इंटर कॉलेज का, उसमें सबसे गया गुजरा मैं, बल्कि मजाक में कहता भी हूँ कि भैया सबसे गया गुजरा मैं ही हूँ, नहीं तो सारे लोग एजुकेटर, सुप्रीनियर, IAS, एलाइड सर्विसेज, IAS और पुलिस के सर्विसेज में, सेंटर के ITBP में IG के लेवल पर, सारे हायर पोस्ट पे इस समय हैं। लेकिन अब जो किस्मत में लिखा है, लेकिन मेरे मन में कुछ करने की बचपन से दो लोगों के व्यक्तित्व को मैंने जीवन में प्रभावित किया। एक तो माननीय अटल जी के व्यक्तित्व ने मुझे हमेशा प्रभावित किया, दूसरा इंदिरा जी का व्यक्तित्व ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि जब इंदिरा जी श्रीनगर आती थी तो मैं अपने गांव के लोगों के साथ श्रीनगर उनकी जनसभा में आता था, छोटा बच्चा होता था, तो मैं पूछता था कि भाई गांव के चाचा होते थे, उनसे पूछता था भाई ये सबसे बड़ी हैं किस पोस्ट पे, लोग कहते थे ये DMK भी बड़ी हैं, तो मेरे मन में भी ये बात थी कि भाई अगर DM से भी ऊपर हैं तो मुझे भी ऐसी बनना है। और इससे धीरे धीरे एक मुझे एक रास्ता मिलता चला गया और मुझे जो ललक है कि भाई कुछ कर पाऊँ मैं, जो समय है, देखिए जीवन तो इस धरती पे तो सभी पैदा होते हैं,
केवल अपने लिए जिए हम लोग, तो कीड़े मकोड़ों की तरह अगर जिंदगी जीकर और चल इस दुनिया से चले जाएं, तो मैं सोचता हूँ निरर्थक जीवन है। और हम कुछ करें समाज के लिए, कुछ नयापन हो जो कि जिससे कि जो केवल इस पीढ़ी के लिए ना हो, 100 साल के लिए ना हो, कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो आने वाली हमेशा कई पीढ़ियों तक आपके उस काम को लोग याद करें। बस ये एक ललक है मन में और यही ललक मुझे काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। सैन्य विज्ञान में जो आपने शिक्षा प्राप्त की, उसका आपके राजनीतिक जीवन में आपको क्या लाभ मिला? क्योंकि मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट एक मिला जुला सब्जेक्ट है, उसमें जहाँ पूरा डिफेंस है, हिंदुस्तान की फौज से लेकर दुनिया की फौज हैं, एशेंट की जो हमारे इतिहास के युद्ध हैं, चाहे भारत के युद्ध हैं, उनमें क्या सैन्य पद्धति अपनाई गई, कौन से हथियारों का प्रयोग किया गया, दुनिया की जो तमाम आधुनिक लड़ाइयाँ हैं उसका उल्लेख, उसका अध्ययन करने का मौका मिलता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन है कंट्रीज़ के, देश के अंदर इंसर्जेंसी काउंटर, जिसको हम इंसर्जेंसी काउंटर इंसर्जेंसी है, उन सब का अध्ययन करने का मौका मिलता है। और मैं देखता हूँ कि जो मैंने मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी लेक्चरर के रूप में ग्रहण किया, वो कहीं ना कहीं मुझे अपने भाषणों में जो बहुत सारे टॉपिक आते हैं, चाहे विधानसभा के अंदर हों या जनता के बीच में हों, कहीं ना कहीं उनका उदाहरण देकर मुझे समझाने में और अपने भाषण को लच्छेदार बनाने में या सार्वगर्भित बनाने में उसका कहीं ना कहीं मुझे फायदा मिलता है। विशेषकर इंटरनेशनल रिलेशन का है, क्योंकि एक पेपर इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल लॉ है, तो वो सारी चीज़ें UNO है, सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी ग्रुप में पढ़ी हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसका फायदा मुझे राजनीति में अपने भाषणों में या किसी चीज़ को समझाने में उसका निश्चित से फायदा मिलता है। आप छात्र राजनीति से सक्रिय रहे और बहुत कम आयु में आप पर्यटन मंत्री बने UP में, उसके बाद राज्य के गठन के करीब 17 साल हम पूरे करने जा रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों को आपने संभाला, मौजूदा स्थिति में प्रदेश के लिए आपका विजन क्या है कि कैसे प्रदेश का विकास हो? देखिए, इस प्रदेश में राज्य बनने के बाद इस प्रदेश में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इस राज्य को बनने के बाद इसकी प्लानिंग नियोजन होना चाहिए था, नियोजित विकास होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से हम केवल राजनीतिक लाभ हानि के दृष्टिकोण से प्रदेश में विकास की गति को आगे बढ़ाते रहे कि किसी गांव के लोगों ने सड़क मांगी, हमारा कोई कार्यकर्ता अगर उस गांव में है तो हमने बिना लाभ हानि देखे हुए कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो जाएगा, कितने जंगल कटेंगे, हमने 10 परिवारों के लिए सड़क दे दी। अब हमने 10 परिवारों को तो लाभ पहुँचाया, लेकिन उससे कितना बड़ा आर्थिक रूप से प्रदेश का नुकसान किया, पर्यावरण के दृष्टिकोण से कितना बड़ा प्रदेश का नुकसान किया, हमने इस बात का आकलन ही नहीं किया। तो सही मायने में एक नियोजन होना चाहिए थे, प्लानिंग होनी चाहिए थी कि भाई हम पेड़ कहाँ लगेंगे, फलदार पेड़ कहाँ लगेंगे, आबादी कहाँ होगी, जिससे कि हम एक नए उत्तराखंड को जन्म दे सकें, जो उत्तराखंड हरा भरा हो, जो उत्तराखंड सभी सुविधाओं युक्त हो। हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से अनाप शनाप अनियोजित विकास को किया है। आप वन मंत्री हैं और ये बहुत ही प्रदेश के लिहाज से महत्वपूर्ण विभाग है। अभी हरीला के अंतर्गत बहुत सारा वृक्षारोपण किया गया, वनों की सुरक्षा को लेकर आप क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, हमारे जो मुख्य रूप से देखिए स्टेट बजट तो हमारा बहुत कम हो गया है, 2006 में हम पे 350 करोड़ बजट था, आज घट के 70 करोड़ हो गया। लेकिन जो कैंपा योजना हमारी है, जायका योजना, वर्ल्ड जापान गवर्नमेंट की एक जायका प्रोजेक्ट 804 करोड़ का 8 साल का प्रोजेक्ट हमारे पास है, लगभग 100 करोड़ के आसपास हमको हर साल 100-150 करोड़ उसमें खर्च करना है। कैंपा में भी हमको 2000 करोड़ हमारा प्रदेश का है, उसमें लगभग हमको 200 करोड़ रुपये हर साल खर्च करना है, तो लगभग 400 करोड़ कैंपा और जायका और प्लस जो हमारा स्टेट बजट है, अगर इसको सब जोड़ दें, दो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तमाम योजनाएँ हमारे प्रदेश में है इनको अगर आप जोड़ दें तो लगभग 400 करोड़ रुपए हम पे खर्च करना है। और 71% हमारा भूभाग पूरा उत्तराखंड का वन विभाग के पास है,
तो ऐसी स्थिति में बजट की कमी तो है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हम फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए हमने अध्यक्ष चैनल को पद दिए हैं। हम गौरवशाली हैं कि टाइगर के क्षेत्र में, टाइगर के मामले में हम प्रदेश देश के दूसरे नंबर पर राज्य हैं। 340 टाइगर हमारे पास है जो सर्वे और जो आंकलन है। हाथी के मामले में बहुत अच्छी स्थिति में हमें लगभग 2000 हाथी हमारे पास हैं। पक्षियों के मामले में हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं कि हिंदुस्तान की जो पूरी प्रजातियां हैं पक्षियों की, उनमें से 50 से अधिक प्रजातियां उत्तराखंड में पक्षियों की हैं। तो हम बहुत रिच हैं पक्षियों के मामले में। और बस ये है कि हम जो हमारा अभियान चल रहा है, हमने कहा कि नहीं, क्योंकि अब इस समय तो मुझे बीच में मौका मिला, एकदम 3 महीने में नर्सरी खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन मैंने अब इस साल से क्योंकि सरकारी क्षेत्र में केवल नर्सरियां पैदा करना, सरकारी क्षेत्र में जो हम नर्सरियां पैदा करते हैं वो ज़्यादा खर्चीली होती हैं और उससे बहुत ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं, हम सरकार पेड़ खरीदेगी, निजी नर्सरियों को हम प्राथमिकता देंगे, उससे एक नर्सरी का स्वामी को फ़ायदा होगा, जितने नर्सरी में लोग मजदूर काम करते होंगे उनको, गाँव के लोगों को फ़ायदा होगा। तो हमने ये मन बनाया कि अगले साल हम निजी नर्सरियों से और कोशिश करेंगे कि हर वर्ष 1 करोड़ से अधिक पेड़ उत्तराखंड में पौधारोपण करें, और केवल पेड़ न लगाएं, वो हम उसमें भी मैंने कहा है कि नहीं, हम एक साइंटिफिक तरीके से पेड़ लगाएं, माना एक निश्चित हाइट पर हम कौन कौन से पेड़ लग सकते हैं, उन पेड़ों में कौन सबसे अधिक मेरिट है जिस पेड़ की। अब मेरिट हम तय करेंगे कि भाई कौन सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है पेड़, उसमें कार्बन को ऑब्जर्व करने की उसमें कितनी क्षमता है, वाटर ऑब्जर्व करने की कितनी क्षमता है, उसमें फल देता है कि नहीं देता है, उसमें लकड़ी उसके काम आती कि नहीं आती, ये सारी जो मेरिट होती है पेड़ की, उसके आधार पर एक पेड़ की हम मेरिट बनाएंगे और उसके बाद उस हाइट पर उस पेड़ को लगाएंगे। दूसरी हाइट पर सबसे जो मेरिट में जो पेड़ लगता होगा उस पेड़ को हम अधिक लगाएंगे। तीसरी हाइट पर जो उस हाइट में जितने पेड़ लगते हैं उनमें जो सबसे अधिक मेरिट पे जो पेड़ आएगा उस हाइट पर उस पेड़ को लगाएंगे। केवल पेड़ लगाने से काम नहीं चलेगा कि हमने 1 करोड़ पेड़ लगा दिया, हम मल्टी डायमेंशन में पेड़ लगाएं। जैसे पीपल का पेड़ है तो पीपल का पेड़ उसका फल पक्षियों के लिए काम भी आता है। मुझे खुद ही, मैं अपने भाषणों में कहता हूँ, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो एक पेड़ था पीपल का, तो हम गर्मियों में उसमें फल भी ऐसे समय में आते थे, और जब छाया की सबसे ज़्यादा जरूरत होती तब पीपल के पेड़ पे पत्तियाँ आती हैं, छाया देता है, फल भी ऐसे समय में देता है जब सबसे ज़्यादा भूख लगती है बच्चों को। तो वो पेड़ पक्षियों के काम भी आता है, इंसान के लिए भी वो फल काम आता है, लकड़ी भी काम आती है, उसकी पत्तियाँ भी गाय भैंस के लिए काम आती हैं और बकरियों के काम भी आती हैं, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है और सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करता है बरगद का पेड़ और उसका। इसीलिए एक फिलॉसफी है हिंदू मैथोलॉजी में, देखिए धर्म में हर धर्म के पीछे किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई बहुत बड़ी इंसान को बचाने की फिलॉसफी हिंदू मैथोलॉजी में है कि आप बरगद के पेड़ और पिपल के पेड़ को नहीं काटेंगे। जब तक मैं फॉरेस्ट मिनिस्टर नहीं था मैं सोचता था कि इसके पीछे क्या कारण होगा, लेकिन जब मैं आज फॉरेस्ट मिनिस्टर बना हूँ और मैंने ये जब पेड़ों के बारे में आकलन करना शुरू किया कि भाई कौन सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, तो मुझे मेरे विभाग के अधिकारियों ने बताया, वैज्ञानिकों ने बताया कि साहब पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। फिर मैंने ये सोचा कि इसीलिए हिंदू मैथोलॉजी में कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की ऑब्जर्व करने की जरूरत है, इसलिए हिंदू मैथोलॉजी में उस पेड़ को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे कि अगर पीपल का पेड़ बरगद का पेड़ बचा रहेगा तो इंसानियत बची रहेगी। आप सोचे ना कितना हिंदू मैथोलॉजी में कितनी बड़ी फिलॉसफी है। जंगली जानवर जो हैं पहाड़ के विभिन्न जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, उसके बचाव के लिए कोई योजनाएं आप चला रहे हैं? सुअर मारने की पिछले साल हमने परमिशन ली थी और हम फिर परमिशन लेने के लिए भारत सरकार वाइल्ड लाइफ बोर्ड को अप्लाई कर रहे हैं कि सुअर मारने की हमको जिस तरह अनुमति दी जाए, इजी गोइंग किया जाए। विदेशों में तो जानवरों को, कोई भी जानवर एक संख्या से अधिक होता है तो उसको मारने की परमिशन दी जाती है, लेकिन हमारे देश में थोड़ा सा इसमें कुछ सख्ताई है। जहाँ तक बंदरों का सवाल है, जैसे मैंने कहा हिंदू मैथोलॉजी में बंदर की पूजा होती है तो उसको मारने के लिए तो
हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से मार नहीं सकते हैं, उसके लिए हमने बाड़े बनाए। लेकिन वाइल्ड लाइफ बोर्ड कहता है कि आप किसी जानवर को बाड़े में कैद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने चिड़ियापुर पे भी और अल्मोड़ा में भी और काठगोदाम के पास हमने जो अपने रेस्क्यू सेंटर बनाए हैं कि हम पिछले सालों हमने 14,000 से अधिक बंदर पकड़े और उनमें उनका ऑपरेशन किया जो ऑपरेशन जिनका होना था। लेकिन हम पे अभी डॉक्टरों का अभाव है, हमें 11 पद डॉक्टरों के बहुत मांगे हैं। अगर ये 11 पद हम पे डॉक्टरों के और सृजित हो जाते हैं तो हम फिर इन डॉक्टरों के माध्यम से उन बंदरों का फैमिली प्लानिंग करेंगे, जिससे कि उनका उनका ऑपरेशन करेंगे जिससे कि इनकी संख्या अधिक न बढ़े। और जंगलों में भी हम अब फलदार पौधों को रोपित करने की हमने योजना बनाई है, जिससे जंगली जानवर गांव में ना आए, शहर पे ना आए, सड़क पे ना आए, उसका भोजन वहीं हम उपलब्ध करा दें जंगल में। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि जंगल में इंसानियत की जो गतिविधियाँ बढ़ी हैं, हमने छेड़छाड़ की है, उसी कारण जब उसको भोजन नहीं मिल रहा है, उसको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो शहरों की तरफ और सड़क की तरफ आ रहा है। हमने मुआवजा के लिए भी बहुत अच्छी स्कीम बनाई है कि हिंदुस्तान में सबसे अधिक चाहे जानवर और इंसानों का संघर्ष में इंसान की जान जाती है, घायल होता है, तो सबसे अधिक मुआवजा देने वाले प्रदेश हम मैं सोचता हूँ प्रस्ताव अभी हमारे पास कैबिनेट में ले जाने जा रहे हैं कि हम सबसे अभी 3 लाख रुपये देते हैं, हम इसको 5 लाख से अधिक बढ़ाने की हमारी योजना है। इसी तरह जो जंगली जानवरों से जो फसलों को नुकसान हो जाता है उस मुआवजे को भी बढ़ाने की हमारी योजना है। तो ये हम बहुत जल्दी 3-4 महीने के अंदर कैबिनेट में प्रस्ताव ले जाकर इस प्रदेश के जो खेती को नुकसान हो रहा है, इंसान को नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए वन विभाग हमेशा तत्पर रहेगा और उसके लिए प्रस्ताव सरकार के सामने ले जाएगा। वैसे तो आप हर आयु वर्ग में बहुत लोकप्रिय हैं, बट युवाओं में आपको लेकर खासा उत्साह रहता है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा मुझे इसलिए पसंद करता है कि युवा खुद भी निश्चल होता है, उसका मन साफ होता है, कपटी नहीं होता है। और क्योंकि वो मेरे जो काम करने का तरीका है, कभी बार लोगों को कड़वी लग जाती मेरी बातें, लेकिन युवा उसको पसंद करते हैं। मेरे जो दृढ़ निर्णय लेने की जो क्षमता है, विशेष करके मैं कोई अगर मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई, मुझे लग गया कि ये चीज़ जनहित में है, प्रदेश के हित में है, एक बड़े समाज के हित में है, तो मैं फिर परवाह नहीं करता हूँ। फिर मैं बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आना चाहिए कि ये व्यापक हित में ये कोई चीज़ है, तो मैं करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि नौजवान इस बात को पसंद करता है, और मैं चाहता हूँ ईश्वर से कि भाई मुझे इतनी शक्ति दे कि वो मैं हमेशा नौजवान के नज़दीक हमेशा, और मैं हमेशा भी आज भी भले ही चाहे मेरी उम्र 56 साल हो गई हो, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे अंदर वही जोश है जो नौजवानों में, वही काम करने की ललक है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नौजवान अपने आप को मेरे नज़दीक पाता है, मैं अपने आपको नौजवानों के नज़दीक पाता हूँ। आज हम बात कर रहे थे प्रदेश के लोकप्रिय कैबिनेट मिनिस्टर श्री हरक सिंह रावत जी से। आपने अमूल्य समय में से हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।